मैं इकरामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं 11 यानी आज वो दिन है जो मुंबई या दुनिया कभी भूल ही नहीं सकती। आज ही के दिन जो है मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। 10 आतंकवादियों ने जो है मुंबई में बम धमाकों के साथ कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को मिलाकर रख दिया था। करीब 10 आतंकवादियों ने करीब 160 लोगों की जान ले ली थी और 300 से भी ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे। करीब 60 घंटे लगातार ये लड़ाई जो है आतंकवादियों से हमारे देश के जाबाज सिपाही करते रहे। आज 26/11 की जिनकी 12वीं बरसी है और यहाँ पर जो है आज श्रद्धांजलि जो है एनसीपी के तरफ से दी जा रही थी। यहाँ पर तमाम एनसीपी के पदाधिकारी मौजूद हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो है नगर सेवक सानू पठान जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। सानू भाई क्या कहेंगे आप? देखिए 2008 की घटना है और आज पूरा 12 साल हो गए, लेकिन वो दृश्य आज भी नजरों के सामने से जाता नहीं। और हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भी कहाँ पे भी आतंकवाद होता है या आतंकवादी हमला होता है, हम उसकी निंदा करते हैं। धर्म से आतंकवाद को कभी जोड़ा नहीं जा सकता, कि कोई भी धर्म किसी बेगुनाह का जान लेने के लिए नहीं कहता। और आतंकवादी हमला करके लोग सोचेंगे कि हिंदुस्तान का मनोबल गिरेगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। जितना आतंकवादी हमले के लिए लोग प्लानिंग करेंगे, हिंदुस्तान का मोरल डाउन करने की कोशिश करेंगे, हमारा मनोबल उतना ही बढ़ेगा और हम डट के खड़े रहेंगे। हमारा देश कभी आतंकवाद के सामने झुकने वाला नहीं है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जो लोग शहीद हुए उनके परिवार को सब्र अता फरमाए। जानू भाई आज आप लोग के लिए अच्छी बात है, पूरा देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन आपके पीछे जो बैनर लगाया गया है इसमें एक भी शहीद की फोटो नहीं है और न ही एक भी शहीद का कहीं नाम का जिक्र किया है। सिर्फ एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता नगर सेवक इन्हीं लोगों का नाम है। तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ ये फोटोबाजी हो रही है या वाकई में आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीदों को? मैं एक बात आपको बता, श्रद्धांजलि का हम आज नहीं दे रहे, 12वां साल हम कंटिन्यू कार्यक्रम करते हैं। और ठीक है, हो सकता है कोई फोटो नहीं आया होगा, लेकिन छोटा सा बच्चा है, पीएमसी स्कूल का ही बच्चा है, देखिए इसके दिल में कितना है कि ये शहीदों की फोटो नमन करते हुए सलाम करते हुए बना के लाया, लेकिन आप लोग जो है नहीं लगा। में ही हमारी टीम का हिस्सा, स्कूल का बच्चा है, कैसे टीम का हिस्सा है? साथ में ही बेचारा हमारे ये बैनर देखो। इतना बड़ा बैनर लगा, ठीक है इस्लामुद्दीन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मीडिया हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे, लेकिन जो बात आपने पूछा ना सानू भाई से, उसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ। ये बैनर बनाया गया है और ये बैनर लगा है, ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग बैनर अलग अलग जगह पार्टी कार्यालय पे एक लगा है, अमृतनगर में एक लगा है, इधर एक लगा है। श्रद्धांजलि यहाँ दी है ना, तो यहाँ पर शहीदों का फोटो होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, उनका हर हिंदुस्तानी के दिल में है और उनकी कुर्बानी बैनर पे फोटो लाके ऐसा जरूरी नहीं, कभी देश उनकी कुर्बानी भूल नहीं सकता। और जब तक हम जिंदा है और हमारे आने वाली पड़ी पीढ़ियां भी उनको श्रद्धांजलि देंगी और उनकी कुर्बानी को याद रखेंगी। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि हर हिंदुस्तानी के दिल में शहीदों की याद होती, जो उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, सारे देश के लोग उसे भूल नहीं सकते हैं। और यहाँ पर शमीम खान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आतंकवादियों का जो हमला हुआ था, आज 12वीं बरसी है, 26/11 को जो कुछ आतंकवादी हमारे देश में हमारे मुंबई में आए थे और आकर के उन्होंने करकरे साहब जैसे एक जाबाज सिपाही को, यानी उनके साथ में और बहुत सारे सिपाहियों को जो आकर के उन्होंने अटैक किया था और उन्हें गोलियों से मार दिया था। सबसे पहले तो हम उस जो हुआ था हादसा वो उसको हम भुला नहीं सकते, हम उसकी निंदा करते हैं। और आज हम हमारे वो जितने जाबाज ऑफिसर्स थे करकरे साहब की याद में, उन तमाम ऑफिसरों की याद में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको और उनके परिवार के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके परिवार को खुशहाल रखे। जब यह हादसा हुआ था तो हमने देखा था, हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से टीवी के माध्यम से वो वाकया हमने देखा था, आज भी उसको हम भुला नहीं सके हैं। लेकिन कैसा है, कुछ बाहर के लोग आते हैं आकर के हमारे देश में ऐसी जो घटनाएं करते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। किसी के ऐसा करने से
हमारे में आपस में मतभेद नहीं हो सकते। ये आके लोग बातें करते हैं, लोग आकर के कहीं ना कहीं एक अलग दृश्य दिखाना चाहते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं और आने वाले वक्त में कुछ ऐसा ना हो इसकी हम प्रार्थना भी करते हैं। तो भाई जो एक बात कहा बैनर के बारे में, तो मैं एकदम साफ कह दूं आपसे, आप मीडिया है, आपने जरूर देखा, इधर आपने उधर नहीं देखा, आप दिखा सकते हैं कि 26/11 को का ये बैनर है, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि का बैनर है। ये बैनर में देखिए सब शहीदों के फोटोज है, ये सलाम लिखा है उनके ऊपर, हम इनको सलाम करते हैं। तो भाई आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मुंबई हमले का जो मास्टर माइंड था हाफिज सईद, उसे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सजा जो दी गई, सही दी गई, जो भी गुनहगार होगा उसको सजा देना चाहिए। और जहां तक आपने अभी ये बैनर के बारे में बोला, तो लोगों की श्रद्धांजलि लोगों के दिल में रहना चाहिए पूरे सब जगह पे। स्टार्ट में जब 26/11 हुआ था तो हर गली के अंदर इसका श्रद्धांजलि होती थी, लेकिन आज सारे जगहों से ये चीज चली गई है। तो NCP और अवार्ड तब के दिलों में शहीदों के लिए जो मोहब्बत है वो हर साल दिख रही है। बैनर से कुछ नहीं होता, लोगों के दिलों में जो जगह है शहीदों के लिए वो सबसे बड़ी चीज है। और जो दिन ब दिन श्रद्धांजलि का और इन लोगों को याद करने का जो प्रोग्राम कम होते जा रहा है, उससे ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि शहीदों को जिंदा रखना ये बहुत जरूरी है। दिलों में जगह, लोगों के दिलों में जगह होना चाहिए। बैनर वैनर ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो ठीक है, जहां तक आए NCP मिलके सारा प्रोग्राम करी, पूरे मुमरा शहर में ये एक ही प्रोग्राम हो रहा है शायद मेरे ख्याल से, बाकी तो मैं देखा नहीं, और भी है पार्टियां जो नहीं, ठीक है सबको करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए जान दिया। पार्टी के अलावा और भी कई लोग हैं, ऐसे संस्थाएं हैं, शहर के लोग भी हैं। नहीं नहीं अच्छी बात है ना, करना चाहिए, सभी को करना चाहिए और बड़े पैमाने पे करना चाहिए। क्या नाम है आपका, आप कौन से स्कूल से हैं? मेरा नाम शेर फिरा शेख है और मैं TMC उर्दू स्कूल का स्कूल में पढ़ता हूँ। और मैंने इनके बारे में पढ़ा था और TV पे भी देखा था, इसलिए आज 26/11 को मैं इनका बना के लेके आया हूँ। और देश के लोगों को क्या कहेंगे, राजनेताओं को क्या कहेंगे जो सिर्फ फोटोबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं जो है आप ऐसे तस्वीरें जो बनाकर लाए हैं कि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिल को छू रही जी। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को इनसे प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए और इनके इनकी याद में मैंने इसको बनाया हूँ और बस और सही। तो आपने सुना कि जिस तरह से आज जो है मुमरा के एम गेट पर यहाँ पर 26/11 में शहीद हुए सभी शहीदों को आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई और एक जो है छोटा सा एक नन्ना मुन्ना आर्टिस्ट था जो अपने कला के जरिए 26/11 में हुए शहीदों की कुछ तस्वीरें बनाकर अपने साथ लाया था, जो बेहद ही दिल को छू लेने वाली वो तस्वीरें थी। कैमरामैन सफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।